अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अकाउंट के बारे में कि आप कतर में आप अपना पर्सनल अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक वो अकाउंट होता है जो कंपनी हमें खुलवा कर देती है, उसको बोलते हैं सैलरी अकाउंट, और एक वो अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। वो किसी भी बैंक में हम ओपन करवा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कौन सा बैंक अच्छा है और आप अपना बैंक अकाउंट कौन से बैंक में ओपन करवाएं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे चार बैंक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे CBQ, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक ऑफ कतर। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे QNB, जिसको हम कहते हैं कतर नेशनल बैंक, द मोस्ट पावरफुल बैंक इन कतर। और थर्ड नंबर पे आ जाता है UBL, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, जो पाकिस्तान में भी है। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे DB, दोहान बैंक। आपको बताएंगे इनमें से अच्छा बैंक कौन सा है, आप कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाएं और कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं अपने सबसे पहले बैंक की तरफ। सबसे पहला हमारा बैंक है CBQ, कमर्शियल बैंक ऑफ कतर। सबसे पहले CBQ, अगर इसमें आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसके लिए आपको तीन रिक्वायरमेंट होती हैं, तीन चीज़ें इसके लिए आपको ज़रूरत होती हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी ID, और उसके बाद आपका पासपोर्ट, और सैलरी सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। सैलरी सर्टिफिकेट के लिए आप अपने HR से बात करें कि मुझे सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए या सैलरी स्टेटमेंट चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैंने आप बोले उनको कि मैंने आपने इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, उसके लिए मुझे सैलरी स्टेटमेंट या सैलरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये चीज़ें लेके आप CBQ की किसी भी ब्रांच में जाएं जो पर्सनल हो, तो उधर आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे पास है QNB, कतर नेशनल बैंक, द मोस्ट पावरफुल बैंक इन कतर। अगर इसमें आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसमें आपको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होता है कतर ID, दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होता है पासपोर्ट, और तीसरे नंबर पे सैलरी सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट। क्योंकि कतर का मोस्ट पावरफुल बैंक है QNB, तो इसके लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। उस एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि आप जब अपना अकाउंट ओपन करेंगे कतर QNB में, किसी भी ब्रांच में आप ओपन करवा कर सकते हैं ये अकाउंट। जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो करवाने के जब आप करवा रहे होंगे तो उस वक्त आपने 5,000 रुपये डिपॉजिट करना होगा इस बैंक में। ये इनकी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल बैंक है। और वो ये मतलब नहीं है कि वो 5,000 आपका खा जाएंगे, वो 5,000 आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, लेकिन ये एक इनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट है। और अगर आप इधर से आउट ऑफ कंट्री यूरोप जाना चाहते हैं कतर से, और जब आप उनको प्रोवाइड करेंगे QNB की आप स्टेटमेंट, तो वो आपका विद इन डेज आपका वीज़ा अप्रूव्ड कर देंगे, क्योंकि QNB यहाँ का मोस्ट पावरफुल और नेशनल बैंक है। जैसे हमारे पास स्टेट बैंक है, वैसे इनका ये QNB है। तो हमारे पास थर्ड नंबर पर आता है UBL। UBL पाकिस्तान में भी है, और इधर कतर में इनकी एक ही ब्रांच है जो सुख वाकिफ के पास है। आप मैप पे सर्च करके उनके पास जा सकते हैं, रोड के ऊपर है, सुख वाकिफ रोड के ऊपर, कॉर्निश के पास। मोस्टली जो कतर में रहते हैं उनको पता होगा। तो ये जो सैलरी अकाउंट ओपन होता है, इसकी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आएंगे कंपनी आपको ओपन करके दे देगी। मसला उनके लिए होता है जो अपना बिजनेस यहाँ पे करते हैं, जो आज़ाद वीज़ा पे आते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, इश्यू उनका होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है UBL, सेम रिक्वायरमेंट है, हर अकाउंट ओपन करने के लिए सेम रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए भी आपको तीन चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पर आपको QID चाहिए, दूसरे नंबर पर आपको पासपोर्ट चाहिए, और तीसरे नंबर पर आपको स्टेटमेंट चाहिए। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं, स्टेटमेंट चाहिए। 6 मंथ की आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत है, वो आप अपने HR में बात करके अपनी स्टेटमेंट ले सकते हैं। जब आप स्टेटमेंट लेके उनके पास जाएंगे या डॉक्यूमेंट्स लेके उनको जमा करवाएंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो विद इन 2 डेज बाद आपको कॉल करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। आपको जब आप उनके पास जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, आपसे वो आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे, लाइक आप
क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कंपनी कौन सी है, ATC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके फिर जब आप इन्फॉर्मेशन देकर चले जाएंगे, उसके 3 दिन बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आप आके अपनी चेकबुक और ATM आप ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है DB, दोहान बैंक। सेम रिक्वायरमेंट है, सेम चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके लिए भी आपको QID, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, उसके बाद सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सेम प्रोसेस है, बाकी बैंक नॉर्मल हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप QNB में ओपन करवाएं, अगर आप 5,000 डिपॉजिट कर सकते हैं तो। अगर आप 5,000 डिपॉजिट कर सकते हैं तो QNB आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि आप अगर यूरोप के लिए यहाँ से निकलते हैं तो आपको वो बहुत फ़ायदेमंद देगी आपकी स्टेटमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।